हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही प्यारा सा मल्टी कलर बुनाई डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत आसान है बनाने में, लेकिन बनने के बाद बेहद खूबसूरत ही लगता है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 4-ply एक्रेलिक यार्न ली है, बेबी वो ली है, और 10 नंबर सिलाई ली है, 10 नंबर नीडल्स, 3.25 mm साइज। और इस पैटर्न के लिए हमने जो स्टिचेज लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 12 के मल्टीपल में से हमने एक फंदा कम लेना है, मल्टीपल ऑफ 12-1। जैसे कि 24-1 तो 23 फंदे, 23 स्टिचेस। तो मैंने यहाँ पे 23 स्टिचेस ही लिए हैं, 23 फंदे लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से। इसमें हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं, ऑल द स्टिचेस विद कलर 1, जो हमारा मेन कलर है, प्राइमरी कलर, उसी से हम ये पूरी रो सीधी बुन लेंगे। निट ऑल, ये हम रो 1 के सारे फंदे जो है वो सीधे बुन चुके हैं। अब देखिए, रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। इसमें हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं, पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 2 रॉन्ग साइड। तो ये पूरी रो हम उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो अब देखिए, ये हम सेकंड रो बुन चुके हैं। थर्ड रो, पहले फंदे को हमने जो है, अब कलर चेंज करेंगे यहाँ पे, हम सेकंड कलर लगाएंगे। तो कलर 2 से हमने देखिए क्या करना है, पहले ये सारी के सारी जो रो है, सारे फंदे हैं जो, ये हम सीधे बुन लेंगे, ऑल द स्टिचेस विद कलर 2। तो ये थर्ड रो हम सारे फंदे सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, ऑल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम थर्ड रो सीधी बुन चुके हैं। अब फोर्थ रो, चौथी सिलाई उल्टी तरफ से। इसे ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हमने एक फंदा सीधा बुनना है, उसके बाद हमने जो 7 फंदे हैं उनको 2 बार धागा लपेट कर बुनेंगे। स्लिप 1, निट 1, निट 7 स्टिचेस, रैपिंग यार्न अराउंड नीडल ट्वाइस। तो हमने ये 7 फंदे इस तरह से 2 बार धागा लपेटते हुए बुन लेने हैं, 4, 5, 6 एंड 7। उसके बाद हम 5 फंदे जो है वो सीधे बनेंगे, 5 स्टिचेस नॉर्मली। तो ये जो हमने स्लिप करने के बाद एक फंदा बुना है, इसके बाद ये जो हमने 12 फंदे बुने हैं, ये हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग दीज 12 स्टिचेस, निट 7 विद रैपिंग यार्न अराउंड नीडल ट्वाइस, निट 5 स्टिचेस, कीप रिपीटिंग। फिर हम ऐसे ही करते जाएंगे, लास्ट में हमारे जो है 7 फंदे 2 बार धागा लपेटते हुए आएंगे इस बार, और फिर हमारे 2 ही फंदे बचेंगे। देखिएगा, 6 एंड 7। उसके बाद 2 फंदे बचेंगे, जिसमें से एक को हम सीधा बुन लेंगे और एच स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये फोर्थ रो, चौथी सिलाई कंप्लीट की। अब फिफ्थ रो, पांचवी सिलाई, साथ में हमने दूसरा कलर भी कैरी करना है। देखिए, इस तरह से ऊपर को लेकर आएंगे इसे। अब एक फंदा पहले हम ये स्लिप कर लेंगे और इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे। अब धागा आगे लेकर आएंगे और ये जो हमने 7 फंदे इस तरह से धागा लपेट कर बुने थे, इन्हें उतार कर, ये देखिए, इन 7 फंदों को हमने उल्टा बुनते हुए 7 फंदे बनाने हैं, मेक 7 out of 7 पर्ल वाइज। ऐसे हमने एक बार बनाया, फिर धागा लपेटेंगे, फिर से एक बार बनाएंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से एक बार बनाएंगे। तो ये 5 हो गए, एक बार फिर धागा लपेट कर उल्टा बुनते हुए बना लेंगे। तो ऐसे हमने 7 फंदों के 7 बना लिए हैं उल्टे बुनते हुए। अब अगले 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, नेक्स्ट 5 स्टिचेस, एंड कीप रिपीटिंग दीज 12 स्टिचेस अगेन। तो ये हम 12 फंदे बार बार रिपीट करते जाएंगे, 5 फंदों को सीधा बुनते जाएंगे और जो 7 फंदे हैं धागा आगे करके इन 7 फंदों को उतारेंगे और उल्टा बुनते हुए 7 फंदों के 7 फंदे बनाते जाएंगे, मेक 7 out of 7 पर्ल वाइज। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ऐसे हमने ये 7 फंदों के उल्टा बुनते हुए 7 फंदे बना लिए। ये देखिए,
फिर हम सात जो है पांच फंदे सीधे बुनेंगे, फिर सात के सात बनाते जाएंगे, लास्ट में हमारे दो फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे, यानी लास्ट टू स्टिचेस। तो ऐसे हमने ये फिफ्थ रो पांचवी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब सिक्स रो छठी सिलाई पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और बाकी हमने जो है पूरे रो सीधी बुन लेनी है, यानी ऑल द स्टिचेस इन रो सिक्स। है तो ये रॉन्ग साइड, लेकिन हमने इन फंदों को जो है वो सीधे बुन लेना है, ऑल द स्टिचेस। तो अभी हम ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेते हैं, ऑल। ये हम छठी सिलाई सिक्स थ्रो सीधी बुन चुके हैं। अब सेवेंथ थ्रो सातवीं सिलाई, इसे हम कलर वन से बुनेंगे, जो हमारा प्राइमरी कलर है उससे बुनेंगे। तो इसमें हम सारे फंदों को जो है सीधे बुन लेंगे, ऑल द स्टिचेस इन रो सेवेंथ एंड पर्ल ऑल इन रो एट। तो सातवीं सिलाई पूरी हम सीधी बुनेंगे और आठवीं सिलाई पूरी हम उल्टी बुन लेंगे, जैसे हमने रो वन टू बुनी थी। तो ये हम आठ सिलाइयां ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दो सिलाई अब और बना लेते हैं, ये सीधी और अगली उल्टी। वर्क दीज टू रोज। तो देखिए हमने एट रो जो है बना ली है और ये आठ सिलाइयां हमने जो अब रिपीट करनी है। देखिए फिर से हम रो वन से यानी कि स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम फिर नाइन्थ रो में सारे फंदे सीधे बुन लेंगे और टेंथ रो में सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। नौवीं सिलाई सारी सीधी और दसवीं सारी उल्टी, ऑल द स्टिचेस इन रो नाइन्थ एंड पर्ल ऑल इन रो टेंथ विथ प्राइमरी कलर। ये हम फिर से कलर वन से ही करेंगे। तो दो सिलाइयां अब हम और ऐसे ही बुन लेते हैं सीधी उल्टी। ये टेंथ रो उल्टी बुनने के बाद अब देखिए इलेवेंथ रो ग्यारहवीं सिलाई, इसमें हम फिर से कलर चेंज करेंगे। अभी हम मल्टी कलर में बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक थर्ड कलर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो दो कलर्स में भी बना सकते हैं। तो इसमें फिर से हम इन सारे फंदों को पहले सीधा बुन लेंगे, ऑल द स्टिचेस इन रो इलेवेंथ। तो ये ग्यारहवीं सिलाई हम सारे फंदे सीधे बुनकर कंप्लीट करेंगे कलर चेंज करके, ऑल। ये हमने सारे फंदे जो है वो सीधे बुन लिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहले फंदे को हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और अब हमने जो है सात फंदे नॉर्मली सीधे बुन लेने हैं। पहले हमने एक ही फंदा सीधा बुना था स्लिप करने के बाद, इस बार हम सात फंदे सीधे बुन लेंगे। स्लिप वन निट सेवन स्टिचेस नॉर्मली, थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। तो ये सात फंदे हमने ऐसे बुन लिए। अब सात फंदों में हमने दो बार धागा लपेटते हुए बुनना है, निट सेवन स्टिचेस रैपिंग यार्न अराउंड नीडल ट्वाइस। तो सात फंदे हम फिर ऐसे बुनेंगे, बाकी बीच की रो हम जो है फिर से रो थर्ड की तरह ही बुनेंगे, यानी कि बारह फंदों पे ही चलेगा बीच का जो पैटर्न है। ये देखिए पांच छह और सात ऐसे, फिर पांच फंदे सीधे बुनेंगे, फाइव फिर उसके बाद सात फंदे हमने जो है दो बार धागा लपेटते हुए बुनने हैं, नीट सेवन स्टिचेस रैपिंग यार्न अराउंड नीडल ट्वाइस, नीट फाइव, कीप रिपीटिंग दीज ट्वेल्व स्टिचेस। लास्ट में जब हमारे देखिए ये फिर से पांच और ये जो है सात फंदे यानी कि ये बचेंगे हमारे और एक एच स्टिच। तो ये हमने सात फंदे सीधे और एच स्टिच को उल्टा बुन लेना है, नीट लास्ट सेवन स्टिचेस एंड पर्ल द एच स्टिच। तो है तो हमने बाकी बीच की सिलाई जो है वो जैसे हमने ये बुनी थी वैसे ही बुनी है, सिर्फ स्टार्टिंग में हमने स्लिप करने के बाद एक फंदा बुना था, उसके बाद हमने जो है सात फंदे दो बार धागा लपेट कर बुने। इसमें हम स्लिप करने के बाद पहले सात फंदे बुन लेंगे, उसके बाद हम ऐसे ही बुनेंगे बारह फंदे, सात में दो बार धागा लपेटा पांच सीधे, फिर सात में दो बार धागा, लास्ट में फिर से हमारे जो है सात सीधे आएंगे और एच स्टिच उल्टा आ जाएगा। तो ऐसे हमने ये रो ट्वेल्थ कंप्लीट कर ली है। अब रो थर्टींथ तेरहवीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, इन सात फंदों को सीधा बुन लेंगे, नेक्स्ट दी सेवन स्टिचेस। ये सिर्फ साइड्स पे हमारे सात रहेंगे, बीच में हमारे ये जो सीधे हैं ये पांच ही आएंगे फ्रेंड्स। तो ये सात फंदे सीधे बुनने के बाद अब फिर हम ये सात फंदों को वैसे ही जैसे पहले बुन रहे थे इन्हें अनरैप करेंगे ऐसे, और सात फंदों का इस तरह से उल्टा बुनते हुए सात ही फंदे बना लेंगे, मेक सेवन स्टिचेस आउट ऑफ सेवन पर्ल वाइज ऐसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
एंड सेवन। तो फिर हमने ये करना है, फिर उसके बाद हमने पांच फंदे सीधे बुनने हैं, फिर सात के साथ बनाने हैं। तो ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में हमारे सात फंदे बचेंगे और एक एच स्टिच बचेगा जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। लास्ट एट स्टिचेस। अब फिर इस तरफ से पूरी रो सीधी बुन लेंगे, नेट ऑल द स्टिचेस इन रो 14th। तो ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे, नेट ऑल 14th रो हमने सारी जो है वो सीधी बुन ली। अब 15th रो 15वीं सिलाई फिर से हम कलर वन से बुनेंगे, इसमें फिर हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, नेट ऑल द स्टिचेस इन रो 15th एंड पर्ल ऑल इन रो 16th। तो 15वीं सिलाई सारी हम सीधी बुनेंगे और 16वीं सिलाई सारी हम उल्टी बुन लेंगे। तो ये दो सिलाइयां अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं, वर्क दीज टू मोर रोज। तो दो ये हमने और सिलाइयां बुन ली है। अब फिर हम रो वन से स्टार्ट करेंगे, रो वन टू 16, एक से लेकर 16 तक की सिलाइयों को ही हमने जब बार बार रिपीट करना है। तो देखिएगा हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा, बहुत ही प्यारा सा ये देखिए पैटर्न है और ये बनाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है ये देखिएगा। तो इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे इस तरह से वर्टिकली भी यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी यूज कर सकते हैं। तो बैक साइड से इस तरह से दिखाई देगा, बैक साइड से भी इसकी फाइन फिनिश रहेगी ये देखिएगा। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को आप जरूर एक बार ट्राई करके और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये बनाने के बाद कैसा लगा। ये देखिए यहाँ पे हमने दो फंदे लिए स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में सात लिए, बीच में हम पांच पांच ही लेते जाएंगे। तो इस पैटर्न को ट्राई करके मुझे जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए चैनल के साथ नए नए वीडियोस और अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।